हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए स्वीट्स मठरी की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी देख लीजिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, कोई भी ऐड स्किप ना करें, सभी से रिक्वेस्ट है। मीठी मठरी बनाने के लिए ये मैंने मैदा लिया है, तो करीब एक छोटी कटोरी मैदा लिया है, ज़्यादा मैदा नहीं लिया है। इसमें मैंने 4 से 5 देसी घी डाल दिया है, बड़े चम्मच। तो इसमें इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं इसका लड्डू जैसा बन रहा है, ये देखिए। तो इसका मोयन ठीक है, तो इसको हम गूंथ लेते हैं। जैसे आप रोटी का आटा लगाते हैं, उतना ही सॉफ्ट आटा लगाना है। ये देखिए, आटे को मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है, बहुत ही सॉफ्ट गूंथा हुआ है। तो ये कैमरे की वजह से थोड़ा कलर डिफरेंट है इसका। तो इसको हम ढक के करीब 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही सेट होने के लिए। एंड जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम इसमें जितना मैंने मैदा लिया था, उतनी ही 1 कटोरी चीनी डाल देंगे चाशनी बनाने के लिए। अब इसमें हम 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो देखिए, इसमें 1 कटोरी हम पानी ऐड कर देंगे और इसको हम चाशनी बना लेंगे 1 कार की। तो ये देखिए, चाशनी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बनी है। तो अब हम मठरी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी लोइयाँ मैंने बना के रख ली हैं, अब इनको हम बेल लेंगे। लोइयाँ आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको जितना मोटा रखना है उस हिसाब से ज़्यादा बड़ी लोई बनाइए। और हमारा ये साइज सही है, तो हम इतनी ही मोटी रखेंगे। देखिए, पूरी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब इसको हम चाकू की हेल्प से कट करेंगे। तो आप जितना भी कट करना चाहते हैं, मोटा पतला ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक तरफ से मैंने इसको कट कर लिया है। इस साइड से भी कट कर लेंगे। जैसे आप बर्फी बनाते हैं, उसकी पीसेस रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रखेंगे। अब एक एक करके इनको निकाल लेंगे, अलग प्लेट में रखते जाएंगे। उसी तरह से मैंने दूसरी भी पूरी बेल ली है, इसको भी कट कर लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो पतला भी कट कर सकते हैं, या आप गोल शेप भी दे सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो इसको भी निकाल लें। तो ये देखिए, सारी मठरी को मैंने निकाल लिया है। अब इसी तरह से सारी मठरी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारी मठरी हमारी बन चुकी हैं। अब चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा, हम मठरी को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, तेल गर्म हो गया अच्छे से, अब मठरी को फ्राई करेंगे। देखिए, एक एक करके मठरी को डालना है, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, नहीं तो फिर मठरी अच्छे से नहीं फ्राई होंगी। तो ये देखिए, सारी मठरी को मैंने डाल दिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है, और इनका जब तक कलर नहीं चेंज हो जाता, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए, मठरी का कलर चेंज हो गया है। अब इनको थोड़ा सा और हम सेक लेंगे। मठरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मठरी को मैंने निकाल लिया है, बहुत अच्छी बनी है। इसी तरह से हम दूसरी भी मठरी तैयार कर लेते हैं। तो ये जो चाशनी है, चाशनी में जो मैंने मठरी बना के तैयार की है, इनको इस तरह से डाल लेंगे। तो ये देखिए, चाशनी में पूरी तरह से डिप हो गई है। अब जितनी भी मठरी बनेंगी, उन सबको हम ऐड कर देंगे। सारी मठरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, उनको भी हम चाशनी में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हिला देंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, चाशनी मठरी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी मठरी बनी है। तो एक आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। मठरी तो कई प्रकार की बनती है, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से बनाई जाती है। तो आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो बाय बाय।